अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हालात बहुत मुश्किल और काफ़ी लोगों के हमारे पास जो सवालात हैं आए हैं, तो उसकी वजह से ये वीडियो बनाने की नौबत आई। तो आपके कुछ सवालात हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। हर बंदा जो सवाल पूछ रहा है तो उसके हवाले से आजकल हर बंदे का सवाल यही है कि फ़्लाइट्स कब खुलेंगी। तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है कि अभी तक सऊदी गवर्नमेंट इजाज़ नहीं दे रही कि फ़्लाइट्स मुकम्मल तौर खोलने के लिए, और ऊपर से पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अभी तैयार नहीं है। तो जब फ़्लाइट खुलेंगी, पहले उमरा वाले जाएंगे, फिर जिनके खुरूज लगे हुए हैं वो जाएंगे, और उसके बाद जो जिनको देखा जाएगा कि चेक किया जाएगा जो ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं पहले उनको भेजा, बाकी लोगों की बारी बाद में आएगी। और जिसमें हरूब वाले वो तो फिर केस ही पीछे, वो तो इलीगल हैं, वो तो बाद में ही देखा जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि सऊदी अरब वालों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा जबकि यूएई और बाकी मुल्कों से वहाँ किया जा रहा है। तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है, सऊदी गवर्नमेंट ने वाजे कहा कि गैर मुल्की हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, वो हर एक अच्छा तआवुन कर रही है। हालांकि आपने सुना होगा कि सऊदी लोगों की तरफ से कहा गया कि इनको निकाला जाए, इनकी वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है, तो लेकिन बादशाह उसका उनका भी हट चुकी है। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे जैसे ही लोग हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी उन्होंने गैर मुल्कियों की हमायत में ही बयान दिया है। तो यूएई में क्या चल रहा है इस टाइम, गवर्नमेंट ने साफ वाजे तौर पे इनकार कर दिया है कि अपने लोगों को ले जाएं। वहाँ एक किस्म के लोग बेयारो मददगार घूम रहे हैं और उनका वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इस हवाले से यही वजह है कि पहले उनको निकाला जा रहा है। तो इस तरह का अगर कोई भी आप खबर लें, हमें YouTube चैनल पे कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर खबर टाइम पे मिलते रहे, तो हमारी एप्लीकेशन है इकामा न्यूज़, ये देखें, इसे डाउनलोड कर लें। यहाँ पर हम हर नोटिफिकेशन यहाँ पर भेज दिया करते हैं, यहाँ पर रियल डेट हर किस्म के अपडेट्स होती हैं, और बग़ैर अपशर के हर चीज़ आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपके सारे सवालात के जवाब मिल चुके हैं, और कोई भी मालूमात चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।